निशिकांत ने कहा है कि आने वाले दिनों में बसंत पार्टी छोड़ देंगे और इसके साथ उन्होंने चुनाव चिन्ह जब्त होने और पार्टी के तीन फाड़ होने की भी बात कही है। और इसी पर बसंत सोरेन ने कहा कि ये दुबे जी की सोच है, वो बीच बीच में इस तरह की बातें करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम की मथुरा महतो और योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि इन बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। था कि दुबे जी सांसद है और जननेता है, एक जनप्रतिनिधि है, लेकिन आज आपके माध्यम से पता चला कि वो भविष्यवाणी करते हैं क्या? ज्योतिष विद्या जानते हैं क्या? जो झारखंड मुक्ति मोर्चा दो फाड़ में होगा वो ज्योतिष विद्या जानने लगे हैं। बेहतर होगा कि अब जो राजनेता है, जनसेवक है, जनप्रतिनिधि है, वहीं रहे। अरे अब कौन क्या नाम ले रहा है, आप देख रहे हैं कि हम लोग प्रचार प्रसार अपना पार्टी का कर रहे हैं, तो उस पर कहां आप जा रहे हैं। और बिहार के नवादा में पीएम मोदी जो है वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सीधे चलते हैं। भारत माता की जय, छठी मैया अपने सबके हम प्रणाम करिए। मैं बिहार और मगध की धरती को प्रणाम करता हूं। मगध की इस महान धरती में चंद्रगुप्त मौर्य का शौर्य है, आचार्य चाणक्य की बौद्धिक क्षमता है और इसमें देश को दिशा देने का अद्भुत सामर्थ्य है। ये क्षेत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री बिहार केसरी श्री कृष्ण बाबू की जन्मभूमि भी है। नवादा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की भी कर्मभूमि है। मैं इन सभी महान विभूतियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, नवादा ने हमेशा भाजपा को, एनडीए को अपना भरपूर प्यार और भरपूर आशीर्वाद दिया है और मैं देख रहा हूं आज भी आपका ये उत्साह, ये प्यार, ये साफ साफ बता रहा है कि नवादा के साथ साथ पूरे बिहार में एनडीए का परचम लहराने जा रहा है। मैं अभी बैठे बैठे नीतीश जी से, हमारे सम्राट जी से बात कर रहा था। मैंने कहा भाई सभा का समय क्या दिया है, क्योंकि हुजूम का हुजूम अभी आ ही रहा है। ये दोनों गेट पे मैं देख रहा हूं, यानी एक प्रकार से पूरा प्रवाह चल रहा है। ये अद्भुत नजारा है। साथियों, बीते 10 वर्षों में देश ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है, देश में विकास के जो काम हुए हैं, एनडीए को मिल रहे विशाल जन समर्थन में उसकी झलक दिख रही है। इसलिए आज पूरा देश कह रहा है फिर एक बार आज पूरा बिहार कह रहा है फिर एक बार। साथियों, आपको याद होगा लाल किले से मैंने कहा था यही समय है, सही समय है। भारत के इतिहास में कई शताब्दियों के इंतजार के बाद
ये समय आया है, ये वो समय है जब हम मिलकर काम करें तो भारत विकसित हो सकता है, भारत अपनी गरीबी दूर कर सकता है। हमें इस मौके को गंवाना नहीं है और इसलिए 24 का ये चुनाव बहुत अहम हो गया है। बीते 10 वर्षों में बिहार के लोगों ने देश हित में लिए गए अनेक बड़े निर्णय देखे हैं। आज भारत में, बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, आज बिहार में आधुनिक एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है, वंदे भारत जैसी ट्रेनें बढ़ रही हैं, डिजिटल क्रांति ने सरकार की सेवाओं को आपके मोबाइल में पहुंचा दिया है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आप मेरी बात से सहमत हैं? भारत का डंका बज रहा है, यूरोप में डंका बज रहा है, ऑस्ट्रेलिया में डंका बज रहा है, न्यूजीलैंड में डंका बज रहा है, अफ्रीका में डंका बज रहा है, अमेरिका में डंका बज रहा है। कैसे ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है? आपने गलत जवाब दे दिया, ये मोदी के कारण नहीं हो रहा है, ये आपके एक वोट के कारण हो रहा है। आपके उस वोट की ताकत है जिसने देश को मजबूत सरकार दी और उसके कारण देश मजबूत कदम उठा रहा है। मुझे विश्वास है बिहार की ये महान धरती विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अपना भरपूर आशीर्वाद देगी। साथियों, मोदी देश से गरीबी खत्म करने के मिशन में जुटा है, मैं भी आप ही की तरह गरीबी को जीकर यहां आया हूं। मैं कभी भूल नहीं सकता कि 2014 के पहले देश में क्या स्थिति थी। करोड़ों देशवासी कच्चे घरों में रहने को मजबूर थे या बेघर थे। देश के गांवों में ज्यादातर लोग खुले में शौच जाने के लिए मजबूर थे। गरीबों के पास न गैस कनेक्शन था, न नल से जल आता था। गरीब का राशन बिचौलिए खा जाते थे। अस्पताल में इलाज के लिए गरीब को दर दर भटकना पड़ता था। साथियों, गरीब का बेटा मोदी गरीब का सेवक है। मैं जब तक देश के हर भाई बहन की गरीबी दूर नहीं कर लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा।
बीते 10 वर्षों में गरीब कल्याण के लिए जो काम हुआ वो आजादी के बाद के 6 दशकों में भी नहीं हुआ था। इसी का नतीजा है कि 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। जब नीयत सही होती है, हौसले बुलंद होते हैं, तो नतीजे भी मिलते ही हैं। और साथियों, अगर मैं आपको ही पूछूंगा तो आप इस सरकार के अनगिनत काम बता देंगे। हर इलाके का लोग बोलेंगे, हाँ हमारे यहां ये हुआ। हर परिवार कहेगा, हाँ हमारे यहां ये हुआ। 10 साल में इतना काम, इतना तेजी से काम, पहले कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी उतनी तेजी से आज काम हो रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, आपको लगता होगा साबित सर्वे वाले कहते हैं कि भी इस बार तो 400 पार पक्का है। सारे अखबार वाले लिखते हैं 400 पार पक्का है। सब लोग कहता है कि भी एनडीए का जय जयकार है। फिर लोग कहते हैं, अरे इतना सारा हो रहा है, मोदी इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? भाइयों बहनों, चुनाव तो आपने जिताना तय कर लिया है। मैं तो मेहनत इसलिए करता हूं कि मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाता है। अपनों से मिलने का आनंद होता है, अपनों को मिलने से ऊर्जा मिलती है, अपनों को मिलने से प्रेरणा मिलती है, और इसलिए मैं आपके बीच आता रहता हूं। और भाइयों बहनों, इतने सारे काम हुए, कोई ये कहेगा यार मोदी जी बहुत हो गया, इतिहास में नाम हो गया, अब तो आराम करो। मेरा उनको जवाब है, मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है, और वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। अब तक बहुत हुआ है, बहुत किया है, लेकिन मोदी का मन तो यही कहता है कि ये तो अभी ट्रेलर है। इतने से हमें रुकना नहीं है, अभी तो गाड़ी टॉप गियर में ले जाना है, अभी तो रनवे पर है, नई ऊंचाइयों को पार करना है, अभी तो बहुत कुछ करना है। हमें देश को, बिहार को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। साथियों, बिहार और नवादा की हमारी माताओं बहनों को लंबे समय तक जंगल राज के अंधेरे में अपना जीवन गुजारना पड़ा है। बिहार में एक वो भी समय था जब हमारी बहन बेटियों को सड़क पर निकलने से डर लगता था। नीतीश बाबू के प्रयासों से, हमारे सुशील मोदी जी के अथक प्रयासों से बिहार इस जंगल राज से बाहर निकला। अभी नीतीश जी विस्तार से बता रहे थे कि जंगल राज के समय शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अन्य सुविधाओं की कैसी हालत थी। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार उन परिस्थितियों से बाहर निकला है।
अब हर बहन के पास उसके इस भाई की मोदी की गारंटी भी है। आज 12 करोड़ घरों में बने इज्जतघर महिलाओं के सम्मान की गारंटी है। आज बिहार में करीब 1.25 करोड़ उज्ज्वला सिलेंडर धुएं से आजादी की गारंटी है। अकेले नवादा में ही 2 लाख से ज्यादा उज्ज्वला कनेक्शन है। बिहार के गरीबों को मिले 37 लाख पीएम आवास, महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा की गारंटी है। बिहार के 8.5 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त राशन इस बात की गारंटी है कि किसी मां की संतान भूखे पेट नहीं सोएगी। इतना ही नहीं, तीसरे कार्यकाल में अभी तो मोदी की कई और गारंटी आने वाली है। अब मोदी की गारंटी है कि गांवों की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। अब मोदी की गारंटी गांव और गरीब परिवार की बहनों को ड्रोन पायलट बनाने की है। मोदी ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना भी शुरू की है ताकि गरीबों का बिजली का बिल, मध्यम वर्ग का बिजली का बिल 0 हो जाए, 0 हो जाए। लेकिन साथियों, मोदी की ये गारंटियां कांग्रेस, आरजेडी वाले, इंडी गठबंधन वालों को परेशान कर रही है, उनको पसंद नहीं आ रही है। इंडी गठबंधन के एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि मोदी जी, आपको जो गारंटी देता है उस पर बैन लगना चाहिए। अरे इतने डर गए हो क्या? अरे मोदी की गारंटी से घबरा रहे हो क्या? ये लोग कहते हैं और कानून को जानकार कह रहे हैं कि मोदी का गारंटी देना ही गैरकानूनी है। मेरे देशवासी, आप ही देश के मालिक हैं, आप मुझे बताइए, क्या मोदी गैरकानूनी काम कर रहा है? क्या गारंटी देना गैरकानूनी है? क्या मैं मेरे देशवासियों को मेहनत करने की गारंटी देता हूं तो क्या मैं गुनाह करता हूं? मैं मेरे देशवासियों को यह कहूं कि मैं 24 घंटे काम करूंगा तो क्या यह गुनाह है? मोदी गारंटी देता है उसको भी उन्होंने गुनाह बना दिया। अरे भाई, मोदी गारंटी इसलिए देता है क्योंकि उसके पास गारंटी पूरी करने का मादा है। मोदी गारंटी इसलिए देता है कि मोदी की नीयत साफ है। मोदी इसलिए गारंटी देता है क्योंकि वो गारंटी पूरी करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। अहंकार में डूबे इंडी गठबंधन वालों को खुद को देश का परमानेंट शासक समझने वाले इंडी गठबंधन वालों को ये समझ नहीं आएगा। साथियों, चुनाव में झूठ बोलना, झूठ बोलकर वोट लेना
इंडी गठबंधन वालों की पहचान यही है, इसलिए ये मोदी की गारंटी उसे भी रोकना चाहते हैं। ये भूल रहे हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी ने कश्मीर में 370 खत्म करने की गारंटी दी थी, नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? 370 गई कि नहीं गई? गई कि नहीं गई? ये बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की बातें करते हैं, लेकिन ये इंडी गठबंधन वाले जवाब दें, इतने साल आपने राज किया, संविधान के नाम में गीत गाते रहते हो, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान लागू नहीं होने दिया था। ये मोदी है जो बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर की धरती पर भी ले गया, इतने सालों के बाद ले गया। और आप कमाल देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, छोटा पद नहीं है, उन्होंने अभी भाषण किया, उन्होंने ये कहा, और वो कहीं शायद राजस्थान में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई ये राजस्थान में आकर के 370 का क्या लेना देना, मोदी यहां आकर के 370 की बात क्यों करता है। ये सुनकर के मुझे बहुत शर्म आई दोस्तों। क्या जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? जम्मू कश्मीर हरा मारा है कि नहीं है? कांग्रेस समझ ले, सुन ले, इसी कश्मीर की रक्षा के लिए मेरे बिहार के अनेक नौजवानों ने मातृभूमि के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है। कितने ही वीर जवान तिरंगे में लपट करके लौटे हैं कश्मीर को बचाने के लिए। आप ये कहते हो राजस्थान की धरती पर भी इतने ही वीर परिवार है जिनके बेटे मातृभूमि में कश्मीर की रक्षा करने के लिए शहीद होकर के लौटे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना, उस कोने को क्या लेना देना, ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। क्या ऐसी भाषा बोलने वालों को माफ किया जा सकता है? क्या शहीदों का अपमान सहन किया जा सकता है? भाइयों बहनों, मोदी ने 3 तलाक को खत्म करने की गारंटी दी थी, नतीजा क्या हुआ? 3 तलाक जैसी महिला विरोधी कुप्रथा खत्म हो गई। मोदी ने भारत को आंख दिखाने वालों को सबक सिखाने की गारंटी दी थी, नतीजा जो भारत को आंख दिखाते थे अब वो आटे के लिए भटक रहे हैं। मोदी ने गारंटी दी थी कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है, जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया, जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने बरसों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। और ये देखिए, चलो भाई, देशवासियों ने चंदा दिया, 1 रुपया, 5 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, देशवासियों के पैसे से राम मंदिर बना है, सरकारी तिजोरी से राम मंदिर नहीं बना है, देशवासियों ने बनाया है। इनकी क्या दुश्मनी है इस देश के लोगों से? इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से?
इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से, उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। क्या ये शोभा देता है? क्या शोभा देता है? क्या इतना ही नहीं, इनके मन में इतना जहर भरा है, इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी के कुछ लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आ गए तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। जरा रामनवमी आ रही है, ये पाप करने वालों को भूलना मत भाइयों बहनों, भूलना मत। और इसलिए ये भी जानते हैं कि अगर मोदी की गारंटी ऐसे ही चलती रही तो इनकी वोट बैंक की दुकान ही बंद हो जाएगी। और इसलिए ये लोग मोदी की गारंटी का विरोध कर रहे हैं। साथियों, इंडी गठबंधन के पास न विजन है न विश्वसनीयता है। दिल्ली में जो लोग एक साथ खड़े होते हैं, अलग अलग राज्यों में वही एक दूसरे को गाली देते हैं। यहां बिहार में तो गजब हाल चल रहा है, यहां इंडी गठबंधन एक उम्मीदवार खड़ा करता है तो दूसरा नेता कहता है कि असली उम्मीदवार वो है। यहां आपस में ही सिर फुटबल मची है। ये मजबूरी में साथ आए लोग हैं और इनकी मजबूरी का एक ही नाम है, सत्ता का स्वार्थ। इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना, इंडी गठबंधन यानी देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना। आप इनके बयान देख लीजिए, इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं, इंडी गठबंधन वाले भारत के एक और विभाजन करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। 2 दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। साथियों, पूरे देश में चुनाव की हलचल बढ़ रही है, लेकिन ऐसा चुनाव है जिसमें विपक्ष के लोग गठबंधन बनाकर भ्रष्टाचारियों को छुड़ाने की रैली तो कर रहे हैं और हालत देखिए, दो खेमे, दोनों के विचार देख लीजिए। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, देश तोड़ने की बात करने वाले, भ्रष्टाचारियों का समर्थन करवाने वाले, सनातन धर्म को खात्मे की बात करने वाले, इन लोगों को बिहार माफ करेगा क्या? बिहार माफ करेगा क्या? कांग्रेस आरजेडी आपका एक भी वोट पाने के हकदार नहीं है। इन लोगों को सत्ता और भ्रष्टाचार की लत लग चुकी है। सत्ता से दूर जाते ही ऐसे छटपटाने लगते हैं जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया हो। इसलिए इन्हें सत्ता से दूर रखना बहुत जरूरी है। साथियों, मुझे कल दिल्ली में कुछ लोग बता रहे थे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये इंडी गठबंधन इस चुनाव के मैदान में कहीं नजर नहीं आ रहा, उनके नेता नहीं आ रहे, तो मैंने जरा पूछताछ की। मैंने कहा भाई मामला क्या है,
ठंडे पड़े हो। वैसे उनके एक नेता ने बयान भी कर दिया कि हमारे लोग बहुत सुस्त है, ठंडे है, कुछ करना नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा किडनी गठबंधन के वरिष्ठ नेतागिरी में पिछले 15 दिन से बहुत तूफान चल रहा है। तो मैंने कहा क्या तूफान चल रहा है भाई? बोले उनके एक नेता ने हट पकड़ करके बैठे हैं कि जब तक इंडी गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगा वो एक भी चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। अब ये हाल है उनका, वो बता नहीं पा रहे हैं उनका नेता कौन है, और वो अंदर अंदर लड़ रहे हैं। और इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि भाई अभी नहीं, चुनाव नतीजे आने के बाद तय करेंगे। अब वो अड़ करके बैठ गए हैं और वो कहते हैं जब तक मुझे नेता घोषित नहीं करोगे मैं कोई रैली करने वाला नहीं हूं। अब ये समझा रहे हैं, पता नहीं समझ जाए नहीं समझ जाए, लेकिन ये हाल है उनका। साथियों, मैंने हमेशा कहा है 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, और ये सिर्फ शब्द नहीं है, मेरी भावना है, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। नवादा के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भाजपा ने हमारे साथी मित्र विवेक ठाकुर जी को उम्मीदवार बनाया है। उनको दिया गया एक एक वोट मोदी को मजबूत करेगा। 19 अप्रैल को कमल छाप, उस पर दिया गया हर वोट विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेगा। आप यहां से जाकर नवादा के जन जन तक मेरा प्रणाम भी जरूर पहुंचाइएगा। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब की बार जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दिखेगा।